नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप लोग देख रहे हैं बर्ड्स सवार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन सा पैरट कितना दिन तक जीता है, पैरट का लाइफ टाइम एज क्या होता है, इस बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे इसके बारे में भी, इस टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि आप देख सको हमारा वीडियो सबसे पहले। तो शुरू करते हैं हम लोग रिंगनेक से, और जितने भी पैरट्स इंडिया में मैक्सिमम लोग रखते हैं उस टॉपिक उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो रिंगनेक पैरट जो है उसका एज जो है जनरली 20 से 30 साल तक ये पैरट जो है वो जी पाता है। लेकिन आप लोगों को बता दें, अगर बहुत अच्छा केयर होता है इस पैरट का तो ये 50 साल तक भी जी जाता है, इसका रिपोर्ट है। जी हाँ, 50 साल तक जीने का रिपोर्ट है इंडियन रिंगनेक पैरट का। लेकिन अगर आप पिंजरे के अंदर इसको रखते हैं बंद करके, हमेशा एक्सरसाइज और डाइट अगर आप इसका मेंटेन नहीं करवाते हैं, पैरट के लिए लाइफ, लॉन्ग लाइफ के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो इंसान हो। तो अगर आप केज में हमेशा बंद रखते हैं पिंजरे में, तो ये 15 से 25 साल तक सर्वाइव कर पाएगी, 15 साल से 25 साल के एज तक। जी हाँ, वैसे नॉर्मली 20 से 30 साल एज जो है जनरल लाइफ टाइम एज होता है इंडियन रिंगनेक पैरट का। अब हम लोग बात करने वाले हैं अलेक्जेंडर पैरट। अलेक्जेंडर पैरट जो है यानी कि पहाड़ी तोता यानी कि राव तोता, और इसका लाइफ टाइम एज होता है 40 साल। आपको बता दें 40 साल बहुत लंबा समय होता है, और 40 साल तक ये पैरट जी जाता है। लेकिन इसके लिए आपको डाइट और एक्सरसाइज दोनों मेंटेन करके रखना है। एक्सरसाइज मतलब पैरट को पिंजड़े में हमेशा बंद रखने से एक्सरसाइज नहीं हो पाता, या तो फिर बड़ा पिंजड़ा है अगर काफ़ी ज़्यादा तो एक्सरसाइज ये पैरट कर लेता है उसके अंदर, नहीं तो फिर आपको बाहर भी निकालना पड़ता है फ्लाई करने के लिए, थोड़ा सा कमरे में छोड़ना पड़ता है, उसी को एक्सरसाइज कहते हैं। खाना का ध्यान रखना है, खान पान का मतलब हेल्दी फूड देना है आपको। अब बात करते हैं अफ्रीकन ग्रे। अफ्रीकन ग्रे पैरट जो है इसका लाइफ टाइम एज है 40 से लेकर 60 साल तक। जी हाँ, लेकिन 40 साल तक, 40 से अगर ऊपर अफ्रीकन ग्रे को देखना चाहते हैं तो उसके लिए सही डाइट प्लान और जो है इसका एक्सरसाइज ज़रूरी है। लेकिन अफ्रीकन ग्रे टाइप का जो भी पैरट जो लोग रखते हैं वो लोग काफ़ी मेंटेन करके रखते हैं पैरट को, तो इसीलिए वो अफ्रीकन ग्रे रख भी पाते हैं, काफ़ी कॉस्टली भी होता है। तो 40 से 60 साल तक ये पैरट जी जाते हैं। ये 40 भी हो सकता है, ये 50 भी हो सकता है, ये 45 भी हो सकता है, ये 60 भी हो सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं मकाव का। मकाव का बता दें कि मकाव पैरट जो है अगर वो जंगल में रहे, जंगल में रहने से कम दिन तक जिंदा रहता है। आप लोगों को बता देता हूं मैं, क्योंकि मकाव पैरट काफ़ी महंगा भी मिलता है, 1.5-2 लाख रुपए का एक पैरट मिलता है। तो उसको जो भी पेट्स के रूप में अपने घर पे लाते हैं एज ए पेट, तो वो ज़्यादा दिन तक जीता है क्योंकि बहुत ज़्यादा केयर होता है घर पे मकाव पैरट का। लेकिन जंगल में कौन केयर करेगा, खुद से जो खाना है खा लिया, लेकिन वहाँ पे 30 से 35 साल तक जिंदा रहता है। अगर घर पे कोई लाता है, जो पेट्स मकाव होते हैं वो 50 ईयर्स प्लस जी जाता है। जी हाँ, 50 साल से ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है ब्लू एंड गोल्ड मकाव पैरट। जी हाँ, और इसका भी एक रिपोर्ट है, हाईएस्ट जीने का 2011 में आया था, 112 साल तक जिंदा रहने का रिपोर्ट है मकाव पैरट का, जो 2011 में एक रिपोर्ट के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कोकटेल्स जो जनरली 16 से 25 साल तक जिंदा रहता है कोकटेल्स, लेकिन कुछ कोकटेल्स 10 से 15 साल ही जिंदा रह पाते हैं। 16 से 25 साल तक जिंदा रहने के लिए भी आपको एक्सरसाइज और डाइट की, अच्छे एक्सरसाइज और अच्छे डाइट की ज़रूरत है। और कुछ मकाव ऐसे, कुछ कोकटेल्स ऐसे भी देखे गए हैं जिसको बहुत अच्छे तरीके से डाइट दिया गया था और बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करवाया गया था, और उस कोकटेल्स को 32 साल तक, 32 साल के एज तक जिंदा रहते हुए देखा गया है कोकटेल्स। और बता दें कि जंगल में कोकटेल्स 10 से 14 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह पाते हैं। कोकटेल्स अगर आप घर पे लाते हैं वहीं पे ज़्यादा दिन तक जिंदा रह पाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्लम हेडेड पैरट। प्लम हेडेड पैरट जो है उसका लाइफ टाइम एज होता है 20 से 30 ईयर्स के बीच में। हाँ जी, 20 से 30 साल के बीच का एज होता है प्लम हेडेड, 20 से 30 साल तक जिंदा रह सकता है प्लम हेडेड को। यहाँ पे और श्याम मोहन और कौन कौन सा तोता भी कहते हैं। उसके बाद लव बर्ड का जो लाइफ टाइम एज होता है, लव बर्ड्स बहुत लोग रखते हैं, बहुत प्यारा पक्षी होता है ये, और ये 10 से 15 साल तक जिंदा रह सकता है। बजीज
बजीज की बात करते हैं, बजीज भी 5 से 10 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, इसका ये लाइफ तो है, लेकिन इस लाइफ के लिए आपको केयर भी करना है। ऐसा नहीं कि 10 से 15 साल या 25 से 30 साल जो पैरट का लाइफ है तो उतना जी जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके केयर पे डिपेंड करता है, आप कितना ज़्यादा अपने पैरट को केयरिंग हो, आप कितना ज़्यादा केयर करते हो, उसी पे इसका लाइफ टिका हुआ रहता है। आप क्या खिलाते हो, कैसे मेंटेन करते हो, उस चीज़ पे टिका रहता है। एक्सरसाइज करवाना ज़रूरी है, मतलब अगर आप एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं, खोल के नहीं रखते हैं आप, तो पिंजड़ा फिर बहुत ज़्यादा बड़ा केज आप रखिए, जहाँ पर वो थोड़ा सा उड़ भी पाए, अपने पंखों को चला पाए, तो ऐसी जगह पर आपको रखना है आपके पैरट को। तो यही था आज के वीडियो में, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।